अगर आपकी इजाजत हो मैं किचन के अंदर आ सकता हूँ? आ सकता हूँ, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो आ जाऊँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आज दावत तो सजाई है आपने, तो आप मुझे बता रहे थे कि क्या क्या खाने में बना है। खाने में हमने एक साग बनाया है, साग? एक मटर पनीर बनाया है, एक चावल, दही, फुलके, परौंठे। हरप्रीत जो है पक्का दोस्त है, उसको मैंने सुबह बोला कि मुझे सरसों का साग खाना है और सरसों का साग बना दिया है उन्होंने, और मुंह में पानी आ रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। बूंदी का रायता, गलती कर दी मैंने किचन में आके, मन कर रहा है भी यहीं पे थाली लूँ और खाना शुरू कर दूँ। इसी पे पकाया है, गैस पे नहीं? नहीं, गैस पे। इसमें क्या क्या है चूल्हे में? एक लकड़ी डालते हैं, एक गोबर की, गोबर की, हाँ, दोनों इकट्ठे। हाँ जी। इसको और लकड़ी को मिला के जो खुशबू आ रही है साग में, वो एक अलग ही खुशबू है। पहले मैंने कुल्लू में देखा था, वहाँ पे जो भट्टी थी वो लकड़ी से जल रही थी, पर यहाँ पे उपला और लकड़ी दोनों का इस्तेमाल किया है आपने। हरप्रीत को अलाउड नहीं है किचन में आना? अलाउड तो है, वो तो पा के नहीं खा सकता। नहीं, अब वो मेरा दोस्त बन गया है, तो उसको तो मैं आज खाना बना के बनाना सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। एक चीज मेरा फर्ज बनता है, भाई मैं खाना बनाने वाला, मैं खान सामा हूँ एक तरीके का। ठीक है, तो एक पराठी बना ले। उसको एक नया तरीके का पराठा सिखाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अब तो बना के ही सिखाना है हरप्रीत को एक पराठा अपनी तरफ से, और यूनिक पराठा बनवा के सिखाऊंगा उसको, ऐसे ये वाला पराठा नहीं बनवाऊंगा मैं। हरप्रीत जी, आज पहलवानी का टाइम नहीं है, आज किचन में खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो आप आ जाओ, डरो नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपने मेरे को ट्यूबवेल में नलवाया, नख मोड़ना सिखाया, ट्रैक्टर पे भी बिठाया, तो मेरा इतना तो फर्ज बनता ही है कि आपको कुछ एक रेसिपी बना के मैं सिखाऊं। आंटी कह रही है कि आप ढंग से खाना खा भी नहीं सकते। मैं एक बड़ा ही आसान सा पराठा आपको सिखाऊंगा, और आंटी को आज हम गलत प्रूफ करेंगे। आज आप पराठा बनाओगे और आंटी खाएंगी आपके हाथ का पराठा, ठीक है जी? ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं नहीं, आपने इतना किया मेरे लिए, तो मैं तो क्या है, एक छोटी सी रेसिपी है, इसमें हम एक इतना स्पेशल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, टाटा ए शक्ति तूर दाल। टाटा ए शक्ति जो दाल होती है अनपॉलिश्ड, जो हमें बाजार में दाल मिलती है ना, वो लोग उसको चमका चमका के चमड़ी की तरह उसको पॉलिश करते हैं, पर टाटा ए शक्ति एक ऐसी दाल है जिसके दाने आप देख रहे हैं इसमें चमक नहीं है, तो वही इसकी खासियत है। ये तूर दाल को मैंने उबाला है, नमक, जीरा और हल्दी, वेरी सिंपल। दाल में बाइट होना चाहिए, एक दाल और सोयाबीन का पराठा बनाएंगे। हाँ। और आप बनाओ ये पराठा आज। ऐसे दिए की तरह बनाया, फिलिंग आज की दावत को और भी स्पेशल बनाने के लिए हरप्रीत पाजी ने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। क्या महफिल सजाई तुमने यार, मजा आ गया। हाँ, क्यों चाचा जी, मजा आ गया ना? हरप्रीत है, गुरप्रीत नहीं भाई। खाना, थैंक यू। खाना जो है कोक के साथ बड़ा टेस्टी लगता है। फूड टेस्ट बेटर विद कोका कोला। कोका कोला पसंद है? बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, तो फिर चीयर्स हो जाए। हो जाए। मैंने सुना है कि आप राडा चिकन के स्पेशलिस्ट हो। हाँ जी।
मुझे रायल चिकन कैसे बनता है सिखा दो।